हेलो दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं इन्फिनिटी वॉर के रिव्यूज के बारे में, जो दरअसल रिव्यू नहीं है, रिएक्शंस है। और वैसे भी रिव्यू जो डालते हैं, भले ही वो नॉन स्पॉइलर हो, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें आई जाती है जो आपको नहीं जाननी चाहिए, और रिएक्शन में वो ज्यादा बातें तो नहीं बता सकते। इसलिए हम इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे, इसलिए कोई टेंशन ना ले, ये वीडियो पूरी की पूरी नॉन स्पॉइलर है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको स्पॉइलर से दूर रहना चाहिए, और ये तो हम सब समझ ही सकते हैं कि जितनी कम बातें आप पहले से जानते होंगे उतना ही अच्छा होगा। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि जो टीवी स्पॉट होता है, जो क्लिप होती है, वो भी स्पॉइलर होती है। ऐसा नहीं होता, वो बस एक प्रमोशन का जरिया है। अगर आप उसे देखना चाहे तो देख सकते हैं या ना देखे। और ये बात भी है कि जब आप मूवी देखने बैठेंगे तब तक आप सारी चीजें भूल ही जाएंगे, पर तब भी आप कोशिश करना कि इंटरनेट से थोड़ा सा आप दूर ही रहो, ताकि आप गलती से भी कोई ऐसा स्पॉइलर ना देखे। दूसरा पॉइंट यह है कि यह अब तक की बेस्ट एमसीयू मूवी है, और ये तो वैसे होना ही था, पर अब जब बोल ही दिया है तो एक तरह से हमें कंफर्मेशन ही मिल गई। तीसरा पॉइंट यह है कि मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है। अब इसका मतलब क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो थोड़ा सा स्पॉइलर हो जाएगा, पर वैसे हमने तो मूवी देखी नहीं है। तो आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है, कौन सा ऐसा ट्विस्ट हो सकता है, वो आप बता सकते हैं कमेंट्स में। चौथा पॉइंट है कि ये मूवी बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। अब ये तो ऐसे मार्वल की खासियत रही है, पर ये इमोशन किस वजह से आता है ये भी हमें जानना चाहिए। क्या किसी की डेथ हो जाती है मूवी में, या जो सिविल वॉर की कहानी आगे बढ़ती है उसकी वजह से इमोशन आता है, या थैनोस जो तबाही मचाएगा उससे ये इमोशन आ रहा है मूवी में, ये एक देखने वाली बात होगी। पांचवा पॉइंट है कि मूवी में अच्छे खासे जोक्स भी है। अब कई लोगों को ये टेंशन हो रही थी कि इतनी सीरियस स्टोरी होने की वजह से क्या इसमें जोक्स थोड़े से कम होंगे, पर ऐसा नहीं है। आप खुद देखो, इसमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी है, इसमें स्पाइडरमैन है, इसमें टोनी स्टार्क है, इसमें फैल्कन है, और ओकोए भी जोक करती है, और शायद एंटमैन भी होगा। तो अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई ऐसी कमी होगी? Earth's mightiest heroes. Not today, sir. Are you making your voice deeper? No. You are. He just did it again. You're imitating the gardener. This is my voice. So cool. सातवां पॉइंट है कि मूवी में अच्छे खासे हाई स्टेक्स है, और ये वैसे एमसीयू की एक प्रॉब्लम भी रहती है। वैसे इसका मतलब ये होता है कि मूवी देख के आपको लगना चाहिए कि विलन में सच में दम है, और अवेंजर्स के लिए उसे रोकना एक इम्पॉसिबल काम जैसा लग रहा हो। तो चलो, एक और अच्छी बात हमें सुनने को मिल गई। सातवां पॉइंट है कि थैनोस एक बहुत ही अच्छा विलन है। तो चलो, एक अच्छी बात है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि एमसीयू के बहुत सारे विलन थोड़े से पीछे हमेशा रह जाते हैं, और मुझे तो जॉश ब्रॉलिन पे पूरा भरोसा है कि वो एक अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। पर क्या वो अब तक के मेरे फेवरेट विलन लोकी से भी आगे निकल पाएंगे? अफकोर्स लेवल के हिसाब से तो थैनोस ऊपर आता है, पर जितनी अच्छी मोटिवेशन हमें लोकी की समझ आती है, क्या उतनी अच्छी मोटिवेशन थैनोस की दिख पाएगी? ऐसा तो रूसो ब्रदर्स कह रहे हैं कि ये थैनोस की मूवी है, पर क्या ऐसा सच में है ये तो मूवी देख के ही पता चलेगा। आठवां पॉइंट ये बहुत अच्छा है कि मार्वल ने पिछले 10 साल में जो यूनिवर्स बनाया है, आयरन मैन से लेकर अवेंजर्स, अवेंजर्स से अवेंजर्स 2, और फिर सिविल वॉर, और फिर यहाँ पे मार्वल ने इस पूरी चीज को एक सही लेवल पे आके यहाँ पे रखा है, पर क्या ये एक प्रॉब्लम नहीं बन सकती? और यही है पॉइंट नंबर 9, जो शायद ये मूवी की एक छोटी सी प्रॉब्लम बन सकती है, कि मूवी दो लोगों के लिए बनाई गई है, एक फैंस के लिए और एक आम जनता के लिए। अब मूवी में कुछ ऐसे सीन्स होंगे जो फैंस चाहेंगे कि और लंबे होने चाहिए थे, उसमें और डिटेल होनी चाहिए थी, लेकिन जो आम जनता है वो बस फनी सीन और एक्शन देखने आती है, तो वो नहीं चाहेगी कि उसमें इतनी डिटेलिंग हो कि उन्हें समझ ही ना आए। तो जो लोगों ने इससे पहले सारी मूवीज देख रखी है, और जो लोगों ने सारी मूवीज नहीं देखी है, ये मूवी दोनों के लिए बनाई गई है, और दोनों को यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। और रिव्यूज देख के ऐसा लग रहा है कि मार्वल ने एडजस्ट कर लिया है, जो ही एक बहुत ही बड़ी बात है। दसवां पॉइंट है मूवी की एंडिंग, जो ही एक बहुत ही बड़ी बात होती है, जो डिसाइड करती है कि मूवी अच्छी होगी या बुरी होगी, और सभी ने यही कहा है कि इसकी एंडिंग सबसे बढ़िया है। हम सिविल वॉर का वो एयरपोर्ट वाला फाइट सीन तो देख ही चुके हैं, और ये तो उससे 10 या 100 गुना ऊपर होगा, जो एक सपने से कम नहीं होगा हम सब फैंस के लिए। और 11वां पॉइंट इसी पे है कि सभी ने रूसो ब्रदर्स की तारीफ की है कि उन्होंने ये इम्पॉसिबल काम करके दिखाया, कि इतने सारे सुपर हीरोज, इतनी सारी स्टोरीज एक साथ लाना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हालांकि हमें ये भी समझना चाहिए कि ये मूवी पिछली दोनों अवेंजर्स मूवी से काफी अलग होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन दोनों को डायरेक्ट किया था जॉश वीडन ने, जो अपनी मूवी ज्यादा सुपर नेचुरल या साइंस फिक्शन टाइप की बनाते हैं, जिसमें स्टोरी और मेन एक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन रूसोस का मेन फोकस होता है इमोशन पे, ताकि फैंस को सच में मूवी फील हो। और उनका एक्शन तो वैसे अच्छा होता ही है, वो तो कोई कहने की बात है ही नहीं। अब आप इस चीज को जिस तरह से समझना चाहे उस तरह से समझ सकते हैं। और 12वां पॉइंट सबसे अच्छा है कि केविन स्मिथ ने ये कहा है कि ये एक मास्टरपीस है। अब जो लोग इस तरह की मूवीज देखते हैं उसमें से ज्यादातर लोग केविन स्मिथ को जानते ही होंगे, और आप नहीं जानते तो आप उनका यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं। और अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है तो जरूर मूवी में कुछ बहुत ही खास होगा।
और बस ऐसे होती है वीडियो खत्म। और आपने अब तक टिकट्स तो बुक कर ही ली होगी, तो आप बताइए कमेंट्स में कि आप किस दिन ये मूवी देखने जाने वाले हैं। मैं जा रहा हूँ फ्राइडे को ही, आप अपना टाइम बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। Who are the Avengers, man? Earth's Mightiest Heroes. Never heard of them.